स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हम क्लास सेवन के हिस्ट्री के चैप्टर थ्री द दिल्ली सुल्तान्स के टॉपिक इक्ता सिस्टम में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्लोजर लॉ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक का हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या लेकर आए थे। तो उसी में हमने बताया था कि किस तरह से उन्होंने स्लेव्स को क्या किया, स्लेव्स को प्रायोरिटीज दी एडमिनिस्ट्रेशन में आने की, राइट। तो अब क्या होता है, अब ये इक्ता आया कहाँ से, इक्ता है क्या आखिर, राइट। तो अब उनका देखो, दिल्ली सल्तनत ने क्या किया था, दिल्ली सुल्तान ने अपने अंपायर को क्या किया था, बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर लिया था। अब जब एक्सपेंड कर लिया है तो अब उसमें क्या है कि भाई उसको कंट्रोल करना भी जरूरी है। अब एक सुल्तान तो पूरे दिल्ली को पूरे अंपायर को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसके लिए उसने क्या किया, सुल्तानों ने क्या किया कि उनको अलग अलग उसमें डिवाइड किया। अब हम इसकी एक तरह से हायरार्की समझ लेते हैं, जैसे कि ये क्या है, किंगडम है, ठीक है। अब किंगडम ने क्या किया, इन्होंने एक लैंड यहाँ कर दी, एक लैंड यहाँ कर दी, एक लैंड यहाँ कर दी। अब इन्होंने मतलब ये लैंड क्या कर दी, मतलब ये कि ये एरिया इधर कर दिया, ये एरिया डिवाइड कर दिया, ये एरिया डिवाइड कर दिया, और इनमें क्या किया, एक एक इक्तेदार मतलब यहाँ पे अपना एक गवर्नर अपॉइंट किया। गवर्नर कौन होता था, गवर्नर होता था जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे, उनको एज ए गवर्नर अपॉइंट किया कि भाई ये यहाँ पे इस एरिया को देखेंगे, ये एरिया इन गवर्नर्स के अंडर में रहेगा। अब जो यही लैंड्स थी, ये लैंड मतलब ये एरिया जो है, ये लैंड्स है, इनको क्या कहा गया, दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्तास। इन लैंड्स को कहा गया, दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्तास, लैंड होल्डर्स वर कॉल्ड एज इक्तेदार और मुक्तीस। देखो लैंड्स को इन्होंने क्या किया, दे दिया, अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया, फिर उसमें एक एक गवर्नर अपॉइंट किया। तो जो लैंड इन्होंने डिवाइड करी, उन लैंड्स को उन्होंने क्या कहा, इक्ता। और जो उनपे गवर्नर अपॉइंट किए गए, राइट, तो उनको क्या बोला, उनको बोला इक्तेदार, ठीक है। तो ये इक्तेदार बोला या मुक्तीस बोला, अब ये इक्तेदार बन गए। अब जब इन्होंने अपॉइंट किया है तो अब ये क्या करेंगे, उसको देखेंगे भी तो उसको वर्क देंगे कि भाई आपको ये वर्क करना है, उनकी ये ड्यूटीज है, ये करना है। तो अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने कहा कि ड्यूटीज ऑफ मुक्तीस और इक्तेदार्स, मुक्तीस या इक्तेदार्स की क्या ड्यूटीज जो है वो होनी चाहिए। तो अब इसमें इन्होंने बोला कि लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास। उन्होंने बोला कि आपको क्या करना है, अपने मिलिट्री को कंपेनिंग करनी है एंड साथ में वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना है। जो आपको दिया गया है एरिया, वहां पे आपको लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन करना है, ठीक है। आप किस तरह से मेंटेन करते हैं, आपके अंडर में जो लोग हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से रह रहे हैं वहां पे, वो चीजें आपको देखनी है। और क्या किया, साथ में उन्होंने कहा कि दे वर गिवन राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, और साथ में उनको राइट क्या दिया गया कि आप जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करिए। रेवेन्यू कलेक्शन का राइट भी इन्हीं को दिया गया। अब क्या है, एज सैलरी अगेंस्ट प्रोवाइडिंग मिलिट्री सर्विसेज, और उन्होंने कहा कि उसके बदले में क्या है, आप अगर हमें मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, मिलिट्री सर्विसेज से मतलब क्या है कि उनको क्या कराना पड़ता था, आर्मी प्रोवाइड करानी पड़ेगी सुल्तान्स को, और फिर वो उसके अगेंस्ट में क्या करेंगे, सैलरी देंगे। तो अब क्या है, देखो भाई इन्होंने तो कहा कि ठीक है आपको हमें मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तो मिलिट्री सर्विस ऐसा तो है नहीं कि भाई मतलब यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, सारे आर्मी मैन हैं और उनको हमने भेज दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि उन सोल्जर्स को भी तो फिर क्या करना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, तो इसके लिए एक आदमी से भी आर्मी नहीं बनती है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, दे पेड सैलरी टू सोल्जर्स आउट ऑफ दिस रेवेन्यू। देखो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इन्होंने इनको बोला कि किसको, इक्तेदार्स को बोला कि आप क्या है, रेवेन्यू कलेक्ट करिए, ठीक है। अब आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, साथ में इसमें से आपको सैलरी देनी है सोल्जर्स को, ठीक है, इसी में से आप सोल्जर्स को सैलरी दे दीजिए, और इसी में से आप जो है वो अपने पास भी सैलरी को रख सकते हैं, ठीक है।
इसी में से आप सैलरी अपने पास भी रख सकते हैं और रख सकते क्या रखिए, और इसी में से आप जो आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं उसी में से आपको सोल्जर्स को सैलरी देनी है। अब एक ये हो गया, चलो ठीक है, क्योंकि भाई अब उनको जब करना था तो इस तरह से अब इक्तदार भी अपने वो सैलरी एक तरह से ले ले रहे हैं, जो रेवेन्यू उनके पास आ रहा है उसमें से एक हिस्सा उन्होंने अपने पास रखा, उसमें से कुछ जो था वो सैलरी के फॉर्म में सोल्जर्स को दिया। अब क्या होता है यहाँ पे, अब इक्तदार को भी तो कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली सुल्तान जो थे इनको बहुत ज्यादा ये था कि कहीं कोई ऐसा ना हो कि कोई इक्तदार इतना ज्यादा पावरफुल बन जाए कि वो हमारे ऊपर ही उल्टा क्या कर ले, कंट्रोल करने लगे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने करा कि हम इक्तदार को किस तरह से कंट्रोल करें, क्योंकि इक्तदार को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो इनकी पावर बढ़ ना जाए। तो अब क्या करते हैं ये कि इन्होंने कौन से कुछ ऐसे रूल्स बनाए कि किस तरह से हम इक्तदार को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट वन है, देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल। मतलब क्या हुआ कि जो इनका इक्तदार बनाए गए थे, इनको क्या किया गया, इनको बोला आप इनहेरिटेबल नहीं रहेंगे। मतलब इनहेरिटेबल की मतलब ये नहीं कि अगर आपकी डेथ हो गई या आपका खत्म हो गया टेन्योर तो आपके बाद आपका बेटा बनेगा, ऐसा नहीं होगा। हमारा जब मन होगा तो हम किसी दूसरे इक्तदार को रख लेंगे, राइट। एक तो ये हो गया, दूसरा दे वर असाइन इक्तास फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और वो क्या करते थे, इक्तास जो रखते थे उनको शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रखते थे, वो भी इसलिए रखते थे कि कहीं ऐसा ना हो ये लोग समझने लगे कि हाँ भाई इस एरिया के हम ही मालिक हैं और हम ही क्या है, हम ही ऑल इन ऑल हैं, और वो अपनी पावर को बढ़ाने लगे और पता चला हमारे ऊपर ही अटैक करके हमारे ऊपर ही कब्जा कर लें। तो इसलिए ये इनको कंट्रोल करने के कुछ लोगों ने रूल्स बना लिए, कुछ इस तरह के एक तरह से देखा जाए मीन्स बनाए कि हम इनको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अब क्या हुआ फिर, थर्ड वन क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ इक्तदार। और एक चीज ये कर दी गई कि इक्तदार का ट्रांसफर भी करते थे, एक जगह पे नहीं रहते। आज भी आप देखते हैं गवर्नमेंट जॉब जितनी भी हैं, ठीक है, उनमें सब में क्या होता है, ट्रांसफर होता ही है। कहीं पे हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग रूल होता है कि वहां पे कहीं पे 3 इयर्स का टेन्योर होता है, कहीं पे 5 इयर्स का होता है। उसी तरह से डिफेंस में भी यही चीज है, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर का वो है, ठीक है, कि ट्रांसफर करना है। इसलिए ट्रांसफर करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक पर्सन एक ही जगह पर रहकर अपनी पावर को बढ़ाने ना लगे, राइट। ये पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एंड अब देखो यहां तक हमने ये देख लिया, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट बात आने वाली है वो क्या है, वो ये है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक दिस कंट्रोल वेल्ट मोर स्ट्रिक्ट। अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने रूल्स में, अपने टेन्योर में इस रूल को और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई इतना तो तुम कर रहे हो लेकिन हमें इसको और भी स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग सोच के चलते थे और उन्हीं का हम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, इसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, राइट। कैसे स्ट्रिक्ट किया अब वो हम देखते हैं। यहां पे उन्होंने क्या कहा कि अकाउंटेंट यहां पे उन्होंने अपॉइंट किए, इक्तदार तो कर ही थे, अब यहां पे उन्होंने अकाउंटेंट्स भी अपॉइंट किए। क्या अपॉइंट किए, इक्तदार को देखने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो इक्तदार जो है वो अपना प्रॉफिट करने लगे, टैक्स जो आ रहा है या जो टैक्स उनको बोला गया है कि यहां से कलेक्ट करना है वो टैक्स वहां से कलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि जितना हमने बताया उससे ज्यादा कर रहे हैं और अपना प्रॉफिट करने में लगे, या जो आता है वो हमें बताते नहीं है, ठीक है, उससे लेस करके बताते हैं, या जो भी है, व्हाटएवर जो भी है, उन्होंने वहां पे अकाउंटेंट्स को अपॉइंट किया। इसी वजह से अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तीज एंड इक्तदार, कि इक्तदार या मुक्तीज ने जो भी अमाउंट कलेक्ट किया है वो सही है या नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि अकाउंटेंट्स कहीं और से थे, ये इक्तदार के साथ ही रहते थे, इक्तदार के साथ रहते थे लेकिन काम जो है वो दिल्ली सुल्तान के लिए करते थे और सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो दिल्ली सुल्तान को ये दिया करते थे, राइट। नेक्स्ट वाज नेक्स्ट क्या इन्होंने स्ट्रिक्ट किया,
कि रूल्स को किस तरह से और स्ट्रिक्ट किया वो हम देखते हैं. सेकंड पॉइंट, इट वाज स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व दैट मुफ्तीज और इक्तेदार्स कलेक्ट द टैक्सेस प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट एंड कैप द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स ओनली. अब इन्होंने कहा कि ये भी तुमको देखना है वहां पर कि ये जो इक्तेदार या मुफ्तीज हैं ये वही टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं जो हमने इनको बताए हैं. अब टैक्स आपके दिमाग में आ गया होगा, टैक्स क्या है? टैक्स अभी हम देखते हैं कि जो भी हमारे आज भी आपको पता है कि आज भी हमारे उसमें क्या है, टैक्स लगते हैं, टोल टैक्स है, ठीक है, और जीएसटी है, ये सारे टैक्सेस हैं जो हम गवर्नमेंट को देते हैं. तब गवर्नमेंट हमें क्या करती है, फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है. तो वहां पे भी उस टाइम पे भी टैक्स लगे हुए थे, ठीक है. रेवेन्यू टैक्स क्या है, वही चीज है. तो ये टैक्स जो है, ये टैक्स क्या है, टैक्स कौन से लगे थे, ये भी अभी हम इस पर डिस्कशन करेंगे. लेकिन अभी क्या है, अभी इन्होंने बोला कि ये ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया था, स्ट्रिक्टली बोला गया था कि आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ये मुफ्तीज या इक्तदार जो है ये वही टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने इनको बोला है या जो स्टेट ने इनको बोला है. और साथ में ये भी कहा गया कि आपको उतने ही सोल्जर्स रखने हैं जितनी आपको रिक्वायरमेंट है. आप ज्यादा सोल्जर्स मत रखिए. क्यों मत रखिए? क्योंकि इसके पीछे भी उनकी सोच थी. उनको ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सोल्जर्स ज्यादा हो जाएं तो ये लोग क्या करें, ये लोग मतलब अपनी एक अलग से आर्मी तैयार कर लें और साथ में दिल्ली पर कब्जा कर लें. ये डर डर के बड़ा रहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो हो जाए, ठीक है. ये इस तरह से इतना डर डर कर रहते थे. अब क्या था, जो नेक्स्ट वन था वो हमारा था दिल्ली सुल्तान्स कंट्रोल द हिंटरलैंड. दिल्ली सुल्तान्स ने अब हिंटरलैंड पर कंट्रोल करना शुरू किया था. हिंटरलैंड हम आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है. अब हिंटरलैंड पर कब्जा कर रहे हैं. अब हिंटरलैंड क्या था, ठीक है, हिंटरलैंड में हमने बताया था कि वहां पे क्या थे, छोटे छोटे सामंत होते थे. सामंत को इन्होंने क्या दे रखे थे, राइट दे रखे थे. ये छोटे छोटे सामंत थे, इनको राइट दे रखे थे कि हाँ भाई यहाँ पे मतलब क्या है कि एक तरह से आप देख रहे हो. लेकिन जब इन्होंने हिंटरलैंड पर कंट्रोल करना शुरू किया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सामंत को और जो रिच लैंडलॉर्ड थे उनको बोला कि आपको सुल्तान्स की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. अगर जब तक आप सुल्तान्स की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, तब तक आपका कुछ भी नहीं माना जाएगा. आप भले यहां पर रहो लेकिन आपको क्या है, सुल्तान्स के क्या है, अथॉरिटी को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा. छोटे छोटे सामंत थे, क्योंकि अगर ये एक्सेप्ट नहीं करते तो ये क्या करते, ये अपने में उनको मर्ज कर लेते हैं, ठीक है. ये हमारा इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी का देख सकते हैं इजी वे में. अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, ठीक है, क्या कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने जब हिंटरलैंड पर कंट्रोल किया तो उन्होंने बोला कि कलेक्ट लैंड गवर्न रेवेन्यू का राइट जो था, ठीक है. देखो यहाँ पे सोचने वाली बात ये, ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे इन्होंने इनको रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट दिया, ठीक है, दिया. अब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उनसे वो राइट ले लिया. किन से, जो लोकल चीफिशियंस होते थे. लोकल चीफिशियंस वही हो गए जो हमारे कौन है, अभी हमने आपको बताया कि किस तरह से सामंताज वगैरह थे. तो उन्होंने क्या किया कि लोकल चीफिशियंस को क्या किया, उनसे वो राइट ले लिए जो राइट उनको मिले थे. किसने दिए थे, कलेक्ट करने का, रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट ले लिया. और साथ में दूसरी चीज ये कही कि ये जो आपका राइट पहले ले लिया उसके बाद अब लोकल चीफिशियंस को भी क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है. एक तो पहले तो टैक्स जो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू उसका उन्होंने राइट ले लिया, वो अधिकार ले लिया, ठीक है, वो उनसे छीन लिया. फिर दूसरा कहा कि नहीं अब आपको क्या करना है, अब आपको ये टैक्स भी देने पड़ेंगे, ठीक है. ये तो कितनी जाती वाली बात हो रही है ना कि पहले दिया फिर छीना और छीनने के बाद कह रहे हैं अब आपको देना भी पड़ेगा. लेकिन ये क्या करते थे, क्योंकि अब भाई सब जगह तो ये जाके ले नहीं सकते थे, तो इन्होंने क्या किया था, कभी कभी ये क्या करते थे, लोकल चीफिशियंस को भी सॉरी उनको भी राइट दे देते थे. कहते थे कि ठीक है आप जाके टैक्स कलेक्ट कर लो, टैक्स कलेक्ट कर लो. लेकिन एज ए उन्होंने अपने एक तरह से एम्प्लॉय रखा था उनको कि आप टैक्स कलेक्ट कर लो और उसमें क्या है कि हम आपको उसके बदले क्या कर देंगे, सैलरी देंगे.
तो एज ए एम्प्लॉय इन्होंने क्या कर रखा था, उनको अपॉइंट कर लिया था एक तरह से अगर हम देखें तो, ये क्योंकि वो सैलरी दे रहे हैं तो क्या है कि भाई एम्प्लॉय हो गए, ठीक है, वो जो पहले राइट्स थे वो सारे उनसे ले लिए, साथ में उनको भी टैक्स देना पड़ रहा है, साथ में फिर क्या कहा, अच्छा ठीक है कभी कभी जब वो लोग ज्यादा मतलब बिजी हो गए या कहीं पर नहीं जा पा रहे हैं पहुंच पा रहे हैं, तो उन्होंने वहां के लोकल चीफिशियंस जो थे उनको बोला कि नहीं भाई आप टैक्स कलेक्ट कर लाया करिए और उसके बदले में हम आपको सैलरी देंगे, राइट। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम जो टैक्स की बात कर रहे थे तो वहां पे उस टाइम पे भी तीन टैक्स थे, कितने टैक्स थे, टैक्स जो थे वो थ्री थे। पहला था ऑन कल्टीवेशन, कौन सा था, पहला था ऑन कल्टीवेशन एंड सेकेंड वन था ऑन कैटल्स एंड थर्ड वन ऑन हाउसेस। इन तीन पे टैक्स लगे हुए थे, ऑन कल्टीवेशन, ऑन कैटल्स एंड ऑन हाउसेस। तो ऑन कल्टीवेशन को जो हम बोलते थे, जो टैक्स लेते थे उसको हम क्या बोलते थे, खराज बोलते थे, ठीक है, उस टैक्स को हम क्या बोलते थे, खराज बोलते थे। यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। और ये कितना लेते थे, 50% लेते थे, ठीक है। और कैटल्स पर भी था, कैटल्स यानी कि जो भी पशु है, जानवर हैं, जो भी है जो लोग रखते थे उनको, उनके उस पर टैक्स देना पड़ता था। उसी तरह से हाउसेस, हाउसेस पे टैक्स कैसे देना पड़ता था, हाउस टैक्स तो हम आज भी देते हैं, अभी भी हम लोग दे ही रहे हैं, ठीक है, हम लोग हर तरह के टैक्स दे रहे हैं क्योंकि कोई भी कंट्री जो है जो चलती है तो गवर्नमेंट जो चलाती है तो उसको भी तो कहीं ना कहीं से फंड चाहिए, कहीं ना कहीं से चलाने के लिए उसको भी तो पैसा चाहिए, वो अपने पास से तो लगाती नहीं है, तो वो सबके लिए टैक्सेस बनाए जाते हैं कि टैक्स जो है वो एक जगह पे फंड एज ए फंड वहां पे कलेक्ट होगा, तब वहां से लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी। लेकिन दिल्ली सुल्तान्स का तो कुछ और ही इरादा था, ठीक है, वो आप सबको पता है कि दिल्ली सुल्तान्स यहाँ पे पूरी तरह से कब्जा करना चाह रहे थे। अब यहाँ पे इन्होंने जो तीन टैक्स लगाए, ऑन कल्टीवेशन, ऑन कैटल्स एंड ऑन हाउसेस। आई थिंक आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जो हम लोकल चीफिशियंस की बात कर रहे थे, ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है बॉक्स में छोटा सा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको मेरा वीडियो लेक्चर से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।